आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चिकन सूप। दोस्तों चिकन सूप वैसे तो बनाना तैयार करना बहुत ही आसान है, मगर इसमें आपको क्या क्या चाहिए आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह से चिकन सूप आप अपने घर पे बैठकर बना सकते हो और ठंड का मज़ा ले सकते हो। दोस्तों आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है आपके लिए कि आप शाम के वक्त इस सूप का मज़ा ले सके अपने घर में बैठ के। तो दोस्तों शाम जैसे ढल जाए उसके बाद आप इसका मज़ा ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बनाने से पहले तो आपको चाहिए आधी किलो चिकन का जो टांग होते हैं हड्डी, उसके साथ दो चार पीस चिकन भी चाहिए, और आपको दो गाजर चाहिए जो कि लाल कलर का होना चाहिए, इसमें विटामिन से भरपूर होते हैं। तो आपको दो गाजर चाहिए और साथ में चाहिए लहसुन। दोस्तों लहसुन शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं, ठंडियों में बहुत ही लाभदायक होते हैं और काफ़ी बढ़िया होते हैं। उसके बाद चाहिए आपको अदरक, अदरक शरीर के अंदर गर्मी को बनाए रखता है। उसके बाद आपको बीन्स, बीन्स दोस्तों शरीर के अंदर विटामिन का काम करता है। और कुछ और सामग्री ले लेते हैं जैसे कि लौंग और जीरा और दालचीनी। दालचीनी मीठा लकड़ी को कहा जाता है, तो आप छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लीजिए, इससे काफ़ी खुशबू और गर्मी का फ़ायदा रहते हैं शरीर में। इलायची ले लीजिए दो या तीन पीस, इलायची से काफ़ी अच्छा खुशबू रहता है सब्जियों में। और उसके साथ आप ये फूल का पत्ता ले लीजिए, ये गर्म मसाला का, और तेज पत्ता, और कुछ बड़े इलायची के पीस ले लीजिए, बड़ा इलायची उसकी पीस ले लीजिए जो कि स्वादिष्ट बरकरार रहें और शरीर में गर्मी पैदा करें ठंडियों के टाइम में। और आपको कुछ काली मिर्च ले लीजिए, और आपको चाहिए लौंग। ये सारे आइटम आपको खड़ी मसाला में चाहिए हैं। और उसके बाद आप अरारोट या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सूप को गाढ़ा करने के लिए होता है, जैसे आपको सूप पतला ना हो, बिल्कुल गाढ़ा सा बहुत ही मज़ेदार लगे। और आपको चाहिए एक से दो एग, इस एग से दिखने में बहुत बढ़िया सूप दिखेगा आपको। चलो आइए वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइकन बेल को दबाकर आप हमारे अगले वीडियो की अपडेट आप तक। चलिए दोस्तों अब मैं सूप तैयार करना चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले गैस को जलाते हैं, और कुकर में आपने जो चिकन लाए हो उस चिकन में 4 से 5 लीटर पानी देते हैं आधी किलो चिकन में, और इन्हें उबालते हैं, और उसके ऊपर 2 चम्मच नमक डाल दें, और उसके बाद कुकर में इसे सीटी लगा लें जो कि अच्छी तरह से पक जाए। चलो हम मसाला के भी कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ लौंग और काली मिर्च है, इन्हें आप किसी हमलदस्त में कूट लीजिए या किसी मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए जो कि बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए। बिल्कुल पाउडर बना लीजिए जो कि हमारे सूप में बहुत ही बढ़िया काम देने वाला है टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए। और आपको चाहिए गाजर, दो गाजर ले लीजिए, उन्हें आप इस प्रकार 4 टुकड़ों में काट लीजिए, और काटने के बाद और इस तरह बिल्कुल पतला पतला बिल्कुल बारीक बारीक इन्हें टुकड़ों में काट दीजिए गाजरों को। गाजर सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट टेस्टी व्यंजन है, इस प्रकार गाजर को काट लीजिए। और उसके बाद जो हमने बीन्स लेके आए थे तो बीन्स को भी बारीकी से तिरछी तिरछी से बिल्कुल पतले पतले से काट ले, जो हमारे हरी सब्जी की काम करता है। इस प्रकार आप छोटे छोटे इसमें काट लीजिए बारीक बारीक। उसके बाद दोस्तों आपका लहसुन को छील ले, छीलने के बाद इन्हें बीच में से 4 टुकड़ों में कर लीजिए, लंबा लंबा करके पतले पतले करके 4 हिस्सा बना लीजिए। इस प्रकार से आप लहसुन को काट लीजिए। उसके बाद दोस्तों अदरक ले लीजिए, अदरक को भी ऐसे ही लंबे लंबे बारीकी से काट लीजिए खाली टेस्ट के लिए। सूप में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा भरपूर अगर आप मज़ा लेना चाहते हो तो। और आप अपने पास एग ले लीजिए, एक से दो, और उन्हें अच्छी तरह से फेंट लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरह से फेंट के आप एक जगह रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद हम लेंगे कॉर्नफ्लेक और अरारोट के जो पाउडर है, कॉर्नफ्लेक भी कहते हैं इसे, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 1 से 2 चम्मच
आप निकाल लीजिए और इसको आप बिल्कुल नॉर्मल पानी से घोल लें, नॉर्मल पानी से इसको अच्छी तरह से घोल लीजिए। ये हमारे सूप को गाढ़ा करने में काफ़ी मददगार है। ये कुछ रेस्टोरेंट टाइप का अगर आप सूप चाहते हो तो इस अड़ाड़ को ऐसे घोल ले। चले दोस्तों, अब हमारे बिल्कुल सीटी लग के बिल्कुल चिकन पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम चिकनों को कुछ मांस निकाल लेते हैं जो बाद में हम अपने सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मांस को निकाल लीजिए। चलिए अब सूप की तैयारी करते हैं। सूप बनाने की तो हम एक खाली पतीला बैठा देते हैं और पतीला गर्म होने के बाद उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाए उसमें हल्का सा ज़रा सा जीरा और तेज़पत्ता और कुछ लाल मिर्च भी डाल सकते हो, कुछ खड़ा मसाला डाल दीजिए। डालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से काली कर ले। जैसे काली हो जाए, मसाला भुन जाए, ऊपर से आपके पास जितने भी चिकन के हड्डी या चिकन है वो सारे इसमें डाल के थोड़ी अच्छी तरह से फ्राई कर ले, अच्छी तरह से मिला ले, हल्के हल्के भुने। और जैसे फ्राई हो जाए ऊपर से आपके पास जो उबला हुआ पानी था चिकन वाला ऊपर से डाल दे इस तरह से। और आपके पास जो काली मिर्च और लौंग कूटा हुआ था वो ऊपर से डाल दे और हरी सब्जी गाजर और बीन्स को डाल दे ऊपर से। उसके बाद ऊपर से लहसुन डाल दे और उसके बाद आपके कटे हुए अदरक को भी डाल दे सारे। फिर इन्हें करछी से थोड़ी हिलाए, अच्छी तरह से मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद यह स्वादिष्ट सूप को बनाने पकने के लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे। 20 मिनट के लिए ढकने के बाद फिर खोले, इन्हें उबलने दे, अच्छी तरह सब्जी को पकने दे और आधा घंटे के लिए फिर दोबारा ढक दे, जो कि इस सूप की जो हड्डी चिकन के जो हड्डी सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए। सूप में जो हड्डी अच्छी तरह से उबल जाए तो एक एक चीज़ बिल्कुल खिलके आ जाते हैं, टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है। और उसके बाद अरारोट की जो कॉर्नफ्लेक्स की गाढ़ा को डाल दे और इन्हें हिलाए अच्छी तरह से। उसके बाद आपके पास जो फैटे हुए अंडा थे तोड़ के रखे थे अंडे को और गरम उसे इस प्रकार से घुमा के इसे डाल दे और बहुत जल्दी से इन्हें हिलाए, मिक्स कर ले, जो कि ये अच्छी तरह से मिल जाए, एक जगह ना रहे, इसलिए इसको अच्छी तरह से हिला ले। देखिए इस तरह अच्छी तरह से हिलाए जो कि अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए सूप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर में आ चुका है। और इसे फिर थोड़ी देर के लिए ढक दे, आधा घंटे के लिए फिर दोबारा ढक दे अच्छी तरह से और कम आँच में पकाता रहे। आधा घंटे बाद आप खोले, देखिए आपके सूप बिल्कुल पक चुका है, आपके चिकन भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। इतना बढ़िया होटल जैसे सूप बिल्कुल बन चुका है दोस्तों, बहुत बढ़िया होटल जैसे टेस्टी सूप बन चुका है, हेल्दी सूप। चलो हम इसको एक कटोरी में लेके देखते हैं यह सूप कितना बढ़िया और कितना स्वादिष्ट है, आप अपने घर में बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो हम एक कटोरी में निकाल के दिखाते हैं कैसे बने। ये देखिए सूप की कितना बढ़िया कलर, इतना बेहतरीन और इतना स्वादिष्ट सूप हमने तैयार किया है। तो इस तरह दोस्तों, अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरह की और भी हमारे टेस्टी और स्वादिष्ट व्यंजन अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल में जाके अलग अलग किचन की और भी हमने सब्जियाँ बना रखी हैं उन्हें जाके। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल को दबाकर आप हमारे अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें। दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखिए लाल सा बटन सब्सक्राइब किया है, उस बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल फ्री। दोस्तों उसके बाद आइकन बेल आएगा, आइकन बेल को आप क्लिक करके आप हमारे अगले वीडियो की अपडेट पूरी आप तक पहुँच सकते हैं। आइए आगे का।